हाय एवरीवन। तो आज जो हमारा वीएमसी का प्रोग्राम है, मैंने जो पहले वीडियो डाली थी उसके अंदर, वीएमसी के अंदर हमने ऑपरेटिंग एंड सेटिंग आप सबको सिखाई थी। अब हम डेलकैम से प्रोग्राम वीएमसी के अंदर डायरेक्ट डालेंगे। तो इसके अंदर हम प्रोग्राम अपलोड करेंगे एंड देन वी विल शो यू हाउ एग्जैक्टली इट्स डन। तो ये हमने डेलकैम में प्रोग्राम बना लिया है एंड एक स्लॉट काट के दिखा रहे हैं। इसको एक बार मेटालिक करिए, इस तरीके से स्लॉट कटेगा एंड इसका प्रोग्राम हम पेन ड्राइव में हम डाल चुके हैं। तो पेन ड्राइव में ये जो प्रोग्राम है मशीन में हम डालेंगे और आपको दिखाएंगे कि कैसे काम होता है। गुड इवनिंग एवरीवन। आज हम देखेंगे मशीन पे कि डेलकैम का प्रोग्राम पेन ड्राइव से कॉपी करके मशीन में कैसे रन कराना है। सबसे पहले हम मशीन में पेन ड्राइव अपनी लगाएंगे। हमारे पास यहाँ पे मशीन में F6 पे बटन आता है यूटिलिटीज़ का। यूटिलिटीज़ का बटन प्रेस करेंगे तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है वो USB में। ओके, तो ये पेन ड्राइव रीड कर लेगा बेसिकली। हाँ जी, USB में जाके ये हमारा प्रोग्राम पेन ड्राइव में अभी दिखा रहा है। तो इसको कॉपी कैसे करना है? कॉपी इसमें क्या ऑप्शन है, अलग अलग मशीन का हिसाब होता है। okay. इसमें हमारे पास सी का ऑप्शन है कॉपी करने के लिए। किसी मशीन में DNC सिस्टम होता है, किसी मशीन में मेमोरी कार्ड सिस्टम होता है, किसी मशीन में USB सिस्टम होता है। सी से कॉपी करेंगे हम। ठीक है, स्लॉट पे गए। सी स्लॉट प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम नंबर है, स्लॉट उसका नाम है। ठीक है, सी से कॉपी किया, वापसी आए। सपोज मैंने ये, मेरे पास फोल्डर बने हुए हैं, ठीक है, पेन ड्राइव का नाम से एक फोल्डर बना रखा है, इसमें जाके पेस्ट कर दिया V से। ये स्लॉट इसमें पेस्ट हो गया 9631 और 3210। ठीक है, ठीक है। अब मेरा पेन ड्राइव का काम खत्म, पेन ड्राइव में रिमूव कर दूंगा। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें देखो सिमुलेशन दे रखा है, सिमुलेट पे क्लिक करूंगा। ये स्लॉट का प्रोग्राम आ रहा है, एंटर, अगेन एंटर। ये प्रोग्राम मेरा यहाँ पे, हमने डेलकैम में प्रोग्राम बनाया था, वो यहाँ आ गया, वो यहाँ पे एक्टिव हो गया। ग्राफिक्स में पहले मैं चेक कर सकता हूँ अपना ग्राफ जनरेट करके। ओके, ये ग्राफिक्स पे गए, साइकिल स्टार्ट, ये हमारा स्लॉट का प्रोग्राम वहाँ पे जनरेट हो गया। क्लियर स्क्रीन कर दी। यहाँ पे एग्जीक्यूट, ठीक है, एग्जीक्यूट में जाके फिर मैं स्लॉट को एंटर करूंगा, फीड को कंट्रोल करूंगा। ये फीड लाइक एक्सीलेटर काम करता है, अगर मैं फुल स्पीड पे खोल दूंगा कोई मिस्टेक है तो वो एकदम जाके हिट कर देगी। तो इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, मतलब जैसे हम धीरे धीरे एक्सीलेटर छोड़ते हैं वैसे इसको धीरे धीरे हम ओपन कर सकते हैं। साइकिल स्टार्ट देख लो, साइकिल स्टार्ट करेंगे और हमारा प्रोग्राम रन करने लगेगा। अभी मैंने इसको जीरो कर दिया, वो होल्ड हो गया वहाँ। ठीक है, फिर जैसे ही इसको मैंने धीरे धीरे खोला वो मूव करने लग गया। अभी हमारा एयर मूवमेंट प्रोग्राम है, तो इसको हम अभी बेसिकली हवा में चला रहे हैं। हाँ जी, ताकि पता लगे कि इसकी मूवमेंट कैसी है, राइट, मूवमेंट कैसी है। फिर हम इसके फेस पे जेड का ऑफसेट लेके कंटिन्यू भी चला सकते हैं कटिंग पोजीशन में। ओके, उसको भी चला देते हैं। चला देते, ठीक है। तो अभी यही इसी वीडियो में ही करें इसको, एक बार ऑफसेट लेना पड़ेगा उसको। ओके, तो अब हम एग्जीक्यूट करेंगे। स्लॉट पे एंटर किया हमारा जो प्रोग्राम नंबर था, ठीक है, साइकिल स्टार्ट, फीड को कंट्रोल करते हुए। तो अब हम इसको एक्चुअली में काटेंगे।
ऑटोमेटिकली इसको रीड कर रहे हैं यहाँ पे। हाँ ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ जी इसको स्टॉप करना हो तो कैसे करना है? रीसेट करके साइकिल स्टॉप, वो वहीं होल्ड हो गया। और इसको फिर ऊपर उठाना है तो अब हम यहाँ पे सेफ्टी का ध्यान रखेंगे, हैंड व्हील से जेड में स्पीड की लिमिट और डायरेक्शन देखेंगे, गलती से हम नीचे को प्लंज ना कर दें। हाँ। तो देखना है हमें किस डायरेक्शन में, अभी तो क्लॉकवाइज घुमाने से प्लस जाती है, तो हम इसको धीरे धीरे यहाँ से हैंड व्हील ऑन किया और जेड में इसको ऊपर की तरफ उठा लिया। अब हमें पता है सही डायरेक्शन में जा रहा है, वो स्पीड इंक्रीज करी, टाइम बचाने के लिए हमने फास्ट उठाया। ठीक है, तो दैट वाज अ वेरी गुड ट्यूटोरियल, थैंक यू। और आगे और जो है, ये बहुत कम है ऐसी वीडियो जिसमें हम डेलकैम में बता रहे हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम डालना है, तो ये चीज़ हम पूरा समझा दें।